दीप राम भावर, ये आप हमारी जो जो कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है इसमें पूरा विश्व जूझ रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है इसमें, तो हमारी भी इसमें एक छोटी सी कोशिश है। हमने एक संस्था बनाई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेव अवर अर्थ फाउंडेशन NGO, जिसका मैं फाउंडर और इसका अध्यक्ष हूँ, और श्रीमती पुष्पा महावर इसकी महासचिव हैं। तो आज हम क्या है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले हम निवाई और उसमें कोटा में, बूंदी में और टोंक में बहुत सारी जगह हमने बांट दिए हैं, फिर हम अभी कल हम सवाई माधोपुर भी जाएंगे। तो यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं श्री राधेश्याम बेरुआ जी, और ये रफीक खान CR साहब है, यहाँ पर सूरमल जी हैं जिला अध्यक्ष SEB टोंक, ओम प्रकाश जी पत्रकार, और हरिओम जी चौबेदार, और समस्त यहाँ पर जो स्टाफ है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जो मास्क की जो मुहिम है उसमें वो मतलब यहाँ पर सभी विराजमान है, उनका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ यहाँ पर। तो हमारा मेनली मकसद है लोगों को कोरोना के प्रति मतलब जागरूक पैदा करना। अभी क्या कि कोरोना जैसी जो वैश्विक जो महामारी है उसको हम इजी वे में नहीं लें उसको, क्योंकि इस समय बहुतों ने, मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक परिवार के अंदर 3 पीढ़ियां मतलब उसके अंदर खत्म होगी, 24 मेंबर में से 18 लोग ऐसे चले गए। तो अभी क्या है कि वैक्सीन भी बाजार के अंदर आ रही है, लेकिन वैक्सीन के क्या परिणाम होंगे ये अभी किसी को पता नहीं है, वो कितने महीने तक वो काम करेगी। इसलिए क्या है कि हमें इसका एक मास्क ही एक उपाय है, क्योंकि मास्क ही इसका वैक्सीन है। कहने का मतलब ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हालांकि दवाई आ गई है, उसका अभियान भी उसका चालू होगा, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होगी कितनी नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी से ये निवेदन है इस मैसेज के माध्यम से, या यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो समाज सेवी यहाँ पर रमेश चंद महावर जी हैं, जो कि ये टोंक के अंदर शिवगंगा के नाम से एक वाटर सप्लाई करते हैं, जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर ये निःशुल्क वाटर सप्लाई करते हैं, और यहाँ पर ये विमल जी हैं, ये भी एक समाज सेवी है। तो मैं यहाँ पर हमारा केवल एक ही मकसद है, यहाँ पर ये फोटो के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे, यदि दोनों ने मास्क नहीं लगाया है तो 90% उसका रिस्क है, यदि किसी एक ने लगाया तो 30%, यदि देखिए यहाँ पर फिर 5% 1.5% यदि दोनों ने लगा लिया लेकिन उनके बीच की दूरी यदि 6 फीट नहीं है तो फिर भी उसके अंदर 1.5 होगा, यदि दोनों ने मास्क लगा लिया और 6 फुट उनकी दूरी है, 6 फुट दूरी है तो वो 0% रिस्क में आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर एक यहाँ पर एक पोस्टर यहाँ भी है जो मास्क की जो फुल फॉर्म है, मेरा आपका सुरक्षा कवच। तो हमारा केवल एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना कोरोना के प्रति। और हम यहाँ पर क्या है कि ये पंपलेट जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यहाँ पर, ये पंपलेट है, यहाँ पर हम पंपलेट के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और यहाँ पर जो N95 जो मास्क है और जो सर्जिकल मास्क है उनके थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारा यही मकसद है। और मैं यहाँ पर जो यहाँ स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने मतलब यहाँ पर अपने उद्बोधन दें यहाँ पर। थैंक यू। पत्रकार महोदय, श्रीमान जी दीपाराम जी महावर, समस्त विद्वान गुरुजनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की बीमारी एक ऐसी महामारी है जिसे पूरा विश्व जूझ रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि भीड़ भाड़ से बचें, नियमित हाथ धोएं, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें। ऐसे उपायों को यदि आप अपनाएंगे तो इसमें कुछ परसेंट अपनी रिस्क कम हो जाती है। इसमें आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, उसके कीटाणु बाहर आते हैं और वो वायु में फैल करके दूसरे को संक्रमित करते हैं। इसलिए इसकी बचाव के लिए मास्क ज़रूरी है। ये हमारे NGO के माध्यम से आपको ये मास्क वितरित किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अनमोल यहाँ पर उद्गार प्रकट किए। और मैं यहाँ पर जो ये सोहेला उच्च माध्यमिक स्कूल है जिसके अंदर हम
जो बच्चे हैं उनको अवेयर करने के लिए आए हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक बच्चों को यहाँ पर बुलाऊंगा यहाँ पर, तो मास्क के लिए, और हमें से मतलब एक 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 आइए एक एक, और सब सब बच्चों को बड़े वाले पहले बड़े बच्चे बोलो, अरे वो खोलो पहले। लेते रहना भाई, फोटो भी लेते रहना, फोटो लेना। और आ जाओ एक एक फटाफट, आते रहो एक पीछे एक लग जाओ, नाम थोड़ी बोलेंगे तुम्हारा। डर जा डर जा, धीरे 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 धीरे, दो दो तीन तीन बच्चों को लगा दो सर, फोटो भी आने, हाँ फोटो आ जाएगी इधर। अरे उनके उनकी फोटो नहीं आ रही पीछे से, इंच की तरफ। वो भागी वो भागी, इधर इधर फोटो, हरी होगी इधर वो भागी। हेलो प्रिंसिपल साहब, आप आ जाओ, आप भी आओ। एक एक बताओ सारे यार, एक एक आते हैं आप, लगा दो एक भीड़ पत्थर हो, फिर वो बैठ कर जाएगा, फोटो उधर चल जाओ, दो दो एक 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 जने खड़े रहो। थोड़ी दूर दूर बना ना, तार की चुका अलग सु